नमस्कार, आप देख रहे हैं VY24 न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूँ रामेश्वर उच्च विद्यालय राजनगर में, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए इस विद्यालय में ये लोग आए हैं। एक महीना या दो महीना पहले लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे थे, कुछ लोग जागरूक थे लेकिन ज़्यादातर लोग डर रहे थे, तरह तरह की अफवाह सुन रहे थे। लेकिन अभी जानकारी मिला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेंज से आते हैं साइकिल से, बाइक से, और यहाँ आधार कार्ड से नंबर लग के खुद वैक्सीन लगा के और खुश है। और उन लोगों का कहना है कि जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं वो भी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन एक तरफ कोरोना की जो महामारी है उससे लोगों में डर है, और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आप भी इस बात को जानते हैं, तो अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, वैक्सीन नहीं लगाए हैं, तो आप भी अपने जो आपके जो स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ भी इस तरह का कैंप लगा है वहाँ जाकर वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म करने में मदद करें। नाम बताएंगे? मेरा नाम हरि नारायण यादव है। क्या आपको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है? नहीं, अभी नहीं लगा है। आपका लाइन में लगे हैं आप? हाँ, लाइन में लगे। आपका घर क्या हुआ? हीरापट्टी। कहाँ? हीरापट्टी। तो जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि सबको लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है। आपके परिवार में कितने लोग लगा चुके हैं या सिर्फ अभी आप ही लगा रहे हैं? नहीं, हम भी लगाए, मेरी वाइफ भी लगाने आया है। अभी दोनों में से किसी को नहीं लगा? नहीं, अभी किसी को नहीं लगा है। तो चलिए, और मैं कुछ लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, कोरोना का टीका लगा चुके हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और जानने का कोशिश करता हूँ। जी, आपको वैक्सीन लग चुका है? नहीं। आप लाइन में लगे हैं? जी। तो कुछ लोगों को डर लगता है, क्या आप लोग को ऐसा तो संदेह नहीं ना होता है? नहीं। हम बताएंगे? मैं उर्मिला कुमारी हूँ, और मैं अपने मम्मी को मतलब मधुबनी से लेके आई हूँ कोवैक्सीन दिलाने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर देख के अजीब लग गया। क्या अजीब लगता है? कि यही अजीब लगा कि कोई सी सोशल डिस्टेंस नाम का चीज़ नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जब कोरोना में क्या है कि 2 गज दूरी बना के रहने के लिए, आ यहाँ कोई दूरी नाम का चीज़ें नहीं है, ये देख के हमें बहुत दुख हुआ। तो आप मधुबनी से कहाँ से आए? आपका ब्लॉक यही राजनगर है? राजनगर ब्लॉक फिलहाल मेरा घर है, मेरी मम्मी का, मेरे मायके है। अच्छा। लेकिन यहाँ हम मधुबनी में घर है इनका, मेरे मायके मधुबनी में। आप वैक्सीन लगा चुके हैं? हाँ, लगवा दिए हैं। आप लगाए हैं वैक्सीन? हाँ, मम्मी लगाए हैं। आपका नाम क्या है? घुरनी देवी। आप वैक्सीन लगा चुके हैं? हाँ, लगा चुके हैं। पहले आधा घंटा तो के अंदर हुआ। किसी तरह का दिक्कत नहीं ना? नहीं, अभी कुछ का दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई चीज का डर तो नहीं है भाई? नहीं, डर वो नहीं है कोई चीज का, हिम्मत करके लिए हैं। नाम बताएंगे? श्याम मंडल। आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन लगाने के लिए? आपका घर कहाँ है? सिमरीपुरा। तो इस वैक्सीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग डर रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? डर नाम का कोई चीज नहीं है, आप वैक्सीन लगवाइए, कोई डर नहीं है। सही। जगदीश यादव जी, आप वैक्सीन लगा चुके हैं? हाँ। पहला डोज लगाया है या दूसरा? पहला डोज। कब लगाए हैं आप? अभी लगा चुके हैं अभी। हाँ। देखिए, इनका इसके पास टोकन है, जगदीश यादव जी हैं जो राजनगर हाई स्कूल में अभी वैक्सीन लगाए हैं। किसी भी तरह का आपको तो डर तो भाई नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी जो लगाया है वैक्सीन तो कैसा फील हो रहा है? कुछ नहीं होता। आप लगा लिए हैं वैक्सीन? हाँ जी, लगा। कितना दिन देर पहले? अभी 10 मिनट पहले। 10 मिनट। तो ये पहला डोज था आपका या दूसरा? पहला डोज था। हाँ, तो क्या मतलब आप किसी के दबाव में आए हैं या फिर अपने इच्छा अनुसार आए हैं कि नहीं हमको लगाना है, कोरोना जैसे महामारी से बचना है? हमें अपने इच्छा से आया हूँ, किसी को दबाव से नहीं। आपके परिवार के सभी सदस्य लगा चुके हैं? नहीं, नहीं लगाया है, हमारे यहाँ जाता नहीं है, ते द्वारे यहाँ आता है। हमारा राज बढ़ारा भट्टी में। अच्छा, भट्टीमर से आए हैं? बढ़ारा से। बढ़ारा से? हाँ। तो पहले 8 किलोमीटर यहाँ से है? हाँ, पहले आया था, अब कितना दिन से नहीं आ रहा है, आज आएगा कल आएगा, आता नहीं है, बढ़ारा स्कूल पर आया था। लोग डरते हैं वैक्सीन लगाने से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं आपकी उम्र के जो डरते हैं। आपका उम्र कितना हो रहा है? हमारा तो 48 हो रहा है। 48 ऊपर? हाँ जी। तो जो लोग डरते हैं आपकी उम्र के, उसको क्या करना संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बताएं। डरते हैं यही द्वारे जो कोई आदमी लगाया और मर गया इस चलते। अच्छा, कोई आपके आसपास में या अगल बगल में मरा? हमारे आसपास में नहीं मरा। अच्छा। मर हमला कर दिया था जब मर गया आदमी वैक्सीन देने से तुरंत। सभी सुन ही रहे? सुन ही रहे, इस चलते कोई डर के मारे नहीं आ रहा था। हमारा खुद आधार कार्ड पहले बच्चे लोग नहीं दे रहा था, तो आज हम
पांच छह भाई मिलकर आए हैं लगाने के लिए। अच्छा, आप लोग सब भाई हैं? हाँ, सब एक ही टोल का। वो भी आपके भाई ही हैं? हाँ, एक ही टोला का है। चलिए, मैं इनसे भी पूछता हूँ और जानकारी प्राप्त करता हूँ कि राजनगर में देखिए एक तरफ कितने लोग डरते हैं, दूसरी तरफ पांच छह भाई मिलकर आधार कार्ड लेके ये लोग वैक्सीन लगाने के लिए राजनगर पहुँचे। जी, आप अपना नाम बताएंगे? नरेग लाल यादव। आप वैक्सीन लगा चुके हैं? हाँ, लगा चुके हैं। फर्स्ट डोज था? फर्स्ट डोज। तो कहाँ से आप आए हैं? बड़हारा से। बड़हारा से हैं? हाँ। तो कब नंबर में लगे? कितने देर पहले आप आए थे? अभी एक घंटा पहले। अच्छा, तो कोई किसी भी तरह का डर भाई नहीं? नहीं, कोई डर भाई नहीं। मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क तो लगाना चाहिए। मास्क भूल गए, इसके लिए तुम गमछा लेके ऐसे लगा के। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, भूल गए। मास्क है, दो मास्क है, लेकिन भूल गए। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम कुमारी सरिता सिन्हा है, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पोस्टिंग है GNM पद पे। तो ये जो कैंप कितने दिनों से इस विद्यालय में चल रहा है? ये 2 मंथ प्लस हो गया, चल रहा है ना? 29 जनवरी। तो लगभग 29 जनवरी, यही ना, जनवरी से ही ज़्यादा ही हो गया, जब से मतलब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, शुरू से लेकर यहीं पर हो रहा है। प्रत्येक रोज कितने व्यक्ति को वैक्सीन लगा देते हैं लगभग? ऐसे तो 500 से लेके 100 तक लगता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 500, कम से कम